आई लव मी सम ड्रामा बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई मेंटल हेल्थ. सुपर कॉन्ट्रोवर्शियल. गिव मी अ केस फाइल टू रीड एंड आई वॉज सुपर एग्जॉस्टेड. सम पीपल आर गुड एट प्रिटेंडिंग दैट दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Akriti. I'm a final year law student at Faculty of Law, Delhi University. So guys, today's video is going to be a real talk video. इसमें हम बातचीत करेंगे और मैं बताऊंगी आप लोगों को a few things that I wish someone had told me when I was in my first year of law school. So if you want to be a law student at Faculty of Law, Delhi University or any other law school, then this video is going to be super beneficial for you guys. ये सारी बातें मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी जब मैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल में थी. और ये बातें सच में वो बातें हैं जो आई विश मुझे किसी ने बताई होती. आई एम लाइक योर एल्डर सिस्टर, सो आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस ताकि आप लोग जब अपने फर्स्ट ईयर पे हो सो यू गाइस आर एट मोर ईज, और जब आप थर्ड ईयर में आओ तो आप लोगों को ये थोड़े रिग्रेट्स ना रहे. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू टेक एडमिशन इनटू योर ड्रीम लॉ स्कूल, अब आपके फेवरेट लॉ स्कूल में एडमिशन लेने का सपना पूरा हो सकता है विद फिजिक्स वाला, लॉ वाला. आप ज्वाइन कर सकते हो उनका क्लैट राइजर 2025 बैच या फिर क्लैट प्रो 2025 बैच. ये दोनों बैच ही 15 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं. क्लैट राइजर 2025 बैच में आपको 50% अनबीटेबल डिस्काउंट के साथ मिलेगा क्लैट और आईलेट एंट्रेंस एग्जाम का फुल सिलेबस कवरेज, 300+ hours लाइव लेक्चर्स, मंथली मैगजीन्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, 15 मॉक टेस्ट सीरीज फॉर बोथ क्लैट एंड आईलेट एग्जाम्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस. और अगर आप कभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको कोई डाउट आया तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास बिकॉज दे प्रोवाइड यू विद 24/7 डाउट सपोर्ट विच इज अमेजिंग. इस बैच का ओरिजिनल प्राइस है 17,999 बट अभी परचेज करने पे यू विल गेट इट ओनली फॉर ₹899. And I think getting this batch at such an affordable price is a big deal. लेकिन अगर आप CLAT और IELTS के साथ साथ और entrance exam के लिए भी prepare करना चाहते हो जैसे कि LSAT या MHCET, तो CLAT Pro 2025 batch is the best for you guys, which you're only getting for 12,999 rupees. इस बैच में आपको 9 डिफरेंट लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी. इसके साथ साथ आपको मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे विद NLU टॉपर्स, प्लस यू विल गेट 32+ मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, विच आई थिंक इज इनफ एंड सफिशियंट फॉर क्रैकिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम. अडिशनली इफ यू यूज माई कूपन कोड विच इज AKY500, यू विल गेट एडिशनल 500 रुपीज ऑफ ऑन योर परचेज. तो देर किस बात की है, जल्दी जाओ और इनरोल करो और लॉयर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना. The importance of joining the societies, especially the moot court society. When we were in the first year, we used to think कि हमें तो mooting के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये क्या problem दे दिया, ये कौन सा law है. We were so intimidated by the moot problem that we didn't prepare the memorial only. And later we realized कि हमें उसी basis पे assess किया जाएगा कि हमें तो कुछ आते ही नहीं है. And a lot of people who gave the interviews got selected. So if you plan to join the moot court society or if you're interested in mooting, then first year is the easiest year to get into the society. The next tip is a very general one. This is the one thing that really helped me personally and I want you all to benefit from this as well. It is the most important to attend your classes regularly in your first year because teachers teach you with a lot of examples, real life stories which we tend to remember in our exams. Plus, if you attend classes regularly in your first year, it will really help you to build a strong fundamental understandings of various statutory provisions. अगर आप end में सब कुछ mug up कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मत करो classes attend. But अगर आप कोई मेरे जैसे हो जिसे end में बहुत ज़्यादा panic हो जाता है सारे syllabus देख के, it is very important कि आप classes attend करो. And attending classes regularly in your first year also helps you prepare for your third year because third year में moot court में attendance के मार्क्स होते हैं और इवन ADR और एथिक्स में अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं. तो अगर आप शुरू से ही आदत नहीं डालोगे आने की तो नहीं आ पाओगे. A lot of my friends are like that, so I just want to warn you all in advance.
दिस नेक्स्ट स्टेप इज कनेक्टेड टू द लास्ट वन. इट इज टू मेक नोट्स. नो दुखी, नो गाइड, नो टेन्योर्स इज गोइंग टू हेल्प यू एट द टाइम ऑफ द एग्जाम्स एज मच एज योर ओन नोट्स रिटन इन योर ओन लैंग्वेज. एंड में सब एक दूसरे से नोट्स मांग रहे होते हैं और अगर आपको मिल भी जाते हैं किसी और के, इट इज नॉट द सेम एज हैविंग योर ओन नोट्स. ब्रो, योर ओन नोट्स जस्ट हिट्स डिफरेंट. So an entire clip got deleted, I don't know how, but basically in that I was telling you how it is very important to do internships right from the first year. Every firm ask for students from the second or the third year. So if you're not able to get an internship at a firm, try for NGOs, or you can even apply at Delhi State Legal Services Authority. These are the best type of internships to do in your first year. I will make a detailed video on this, so subscribe for that. This is something I really wish someone had told me when I was in my first year. Because जब मैं first year में यहाँ पे आई थी, I was so intimidated and I don't want you all to feel like that. So I am breaking it to you that it is okay to feel lost in the first year of law school. There is absolutely no need to feel that you are any less just because you don't know what a plaintiff is, what is the difference between respondent and defendant, SLP kya hota hai. Trust me, we are all in the same boat. I have even met advocates who don't know a lot of things. So it's okay to not know anything. Some people are good at pretending that they know a lot of things and some people just can't pretend. Can't pretend that much. मुझे भी ऐसे ही लगता था कि सबको इतनी सारी चीजें पता है, मुझे नहीं पता है. सेमेस्टर रिजल्ट आया तो आई गॉट टू नो दैट वी ऑल आर इन द सेम बोट एंड अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल गॉट मच लेस मार्क्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप ही को चीजें नहीं पता है. बहुत नॉर्मल है चीजें ना पता होना, सिली से सिली चीज ना पता होना. यू विल इवेंचुअली लर्न एवरीथिंग. सो फर्स्ट ईयर इज एन अमेजिंग चांस फॉर यू ऑल टू आस्क द सिलीएस्ट ऑफ द डाउट्स फ्रॉम द प्रोफेसर्स, फ्रॉम पीपल अराउंड यू, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते आप लोगों को कुछ भी पता होगा. यू कैन आस्क लिटरली एनीथिंग एंड ट्रस्ट मी, nobody will think you're dumb because probably they also don't know the same thing and will learn the same through your question. So koi zarurat nahi hai imposter syndrome feel karne ke liye. The next tip is going to be very useful aur ye main apne bahut hi zyada experience se bata rahi hu. You need to read a lot of judgments. I know we take shortcuts, hum dukki se cases pad lete hain aur fir exam ke liye ho jata hai. Aur main ye nahi kahungi nahi nahi dukki mat padho, you only read from the case mats, because that will be hypocrisy at its peak and I'm not like that. I will suggest ki you all read a few important cases from the case mats at least. I mean, you can always take the shortcuts, but don't develop a fear of reading. Because when I went to my first internship, they gave me a case file to read and I was super exhausted because I did not even develop a habit of reading. हमारे time पे तो खैर 3 महीने का एक semester था, क्योंकि हमें time ही नहीं मिला था किसी चीज का due to post COVID चीजें जो भी हुई. But I will highly recommend कि थोड़े cases तो at least पढ़ने शुरू करो, कि आपको कोई case पढ़ने के लिए दे तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ. इतने cases पढ़ो एटलीस्ट कि अगर आपके हाथ में कोई एक जजमेंट दे तो आपको पता हो कि फैक्ट्स यहाँ हो सकते हैं, ऑर्बिटर डिक्टा हो गई, ये तो ये जजमेंट है, ये रेफर्ड केसेस है. एंड यू ऑल डोंट फील इंटिमिडेटेड. इफ यू हैव चोजन लॉ एज योर करियर, रीडिंग इज योर लिटरल जॉब. यू विल हैव टू रीड सो मच दैट यू कैन इवन इमेजिन एट दिस पॉइंट. तो अभी से थोड़ी थोड़ी आदत डाल लो. The next is networking. Now I am myself not very good at it, तो मैं ऐसे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी इस बात पे, but at least मैं introvert नहीं हूँ. I think yes. And अगर आप introvert हो तो please. बिकॉज अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो या फिर इवन सेकेंड जनरेशन लॉयर हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क, मेक फ्रेंड्स, ज्वाइन सोसाइटीज, टॉक टू पीपल एंड डोंट फील स्मॉल इन इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी. वन डे आई वेंट टू 30,000 कोर्ट फॉर सम वर्क. देयर आई मेट अ लॉयर, शी शोड मी द कैंटीन, शी टॉक टू मी, शी गेव मी हर नंबर एंड शी वॉज लाइक अगर कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना. ऑल्दो आई हैवंट कॉल्ड हर येट, बट
Everybody wants to talk to everybody in this profession, so don't feel small in talking to people. Networking के बहुत फायदे हैं, पर सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है आप जितने नए लोगों से बात करते हो, चाहे वो आपकी लाइफ में हमेशा रहे या नहीं रहे, बट यू विल ऑलवेज गेट टू लर्न समथिंग न्यू. कमिंग ऑन टू माई लास्ट टिप, विच इज ऑफिशियली गोइंग टू बी सुपर कॉन्ट्रोवर्शियल. आप लोगों को ये टिप बहुत शैलो लग रही होगी, बट ऑनेस्टली मैं भी इसी चीज में बिलीव करती हूँ कि दोस्ती कोई फायदा देख के नहीं होती, दोस्ती तो बस हो जाती है, जिससे वाइब मैच हो जाती है उससे दोस्ती हो जाती है. हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइज दैट यू अवॉइड पीपल हु हैव नो एम्बिशंस, नो गोल्स. डू नॉट एवर टॉक अबाउट स्टडींग, future aspects, career, people who only involve themselves in gossiping, drama. See guys, having fun is a separate thing. You need to have fun in your first year, final year, you're an advocate student, you need to have fun. I love me some drama, but not at the cost of my mental health. And you all should also not drain yourselves behind people who have nothing to do in your growth. Simple si baat hai. आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, यू बिकम लाइक देम ओनली, एंड इफ यू नॉट कंफर्टेबल बिकमिंग लाइक देम, इट्स टाइम टू मूव ऑन. बी अराउंड एम्बिशियस पीपल, बी अराउंड पीपल यू वॉन्ट टू बी लाइक, एंड अवॉइड टॉक्सिसिटी बिकॉज दैट विल ड्रेन यू. और मैं ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर आप ऐसे गॉसिपर्स और वगैरह के साथ नहीं रहोगे, लेकिन दैट विल रियली हेल्प यू इन योर स्टडीज. जो भी एक्स्ट्रा ड्रामा था, आई होप आप अपने यूजी में छोड़कर आ चुके हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, एलएलबी है, इतना टाइम ही नहीं मिलता और सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं. सो रियली बी अराउंड एम्बिशियस पीपल. आप भी लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि वो अच्छा करे अपने अकेडमिक्स में और हो भी. सो या, मेक फ्रेंड्स वाइजली, चूज लाइक माइंडेड पीपल, इट विल रियली हेल्प यू एस योर लॉ स्कूल. अगर आपके कुछ फ्रेंड्स है भी जो लाइक माइंडेड नहीं है, तो उनमें रिस्ट्रिक्टेड मत रहो, और लोगों से बात करो, टॉक टू योर अदर क्लासमेट्स, टॉक टू अदर पीपल, बिकॉज व्हेन आई डिड दिस आई केम टू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग अ लॉट इन देयर लाइव्स एंड आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय देम. हैविंग फन इज ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट, सो डोंट गेट मी रॉन्ग. आई होप आप लोगों को समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ. एंड या, दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो और मैं अच्छे से कन्वे कर पाई हूँ. आई ओनली वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई सब्सक्राइबर्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड आई लव व्हेन यू कम एंड से हाई टू मी इन कॉलेज. आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाई.